सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू एसकेएम नॉलेज। और दोस्तों यार, आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारा जो डेक एम्पलीफायर होता है, डेक कैसेट प्लेयर होता है, उसकी जो ऑक्स रहती है, हम उसे आउट करके अपने होम थिएटर में देने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा होम थिएटर है, और अपने डेक की इनपुट को मैं आउटपुट उसमें देने वाला हूँ ऑक्सिलरी, जिससे कि हमें काफ़ी बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड देखने को मिलेगी। अच्छा खासा आपको बेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए कि आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना डेक एम्पलीफायर ले लिया है, डेक कैसेट प्लेयर यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, और आपको बताऊँगा कि किस टाइप से हम इसकी ऑक्स को आउट कर सकते हैं और उसे हम अपने होम थिएटर में दे सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने इसे खोल लिया है, और काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिख रहा है। काफ़ी कुछ यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, जिससे कि आपको अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पे हो। आपका कैसेट प्लेयर है पूरा, यहाँ पे 12 वोल्ट का मैकेनिज्म है, ये ब्लूटूथ मैंने यहाँ दिया था, और ये प्री एम्पलीफायर है, 44 आईसी बोर्ड है मैन, ये ट्रांसफार्मर है, और आपको यहाँ पे लाइटनिंग देखने को मिल जाती है 44 आईसी के साथ, जो कि मेरी पहले से ही सेटअप है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें इसकी ऑक्स आउटपुट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ कि मेरी जो हेड की जो आउटपुट है, वो मैंने यहाँ पे मेरे प्री एम्पलीफायर की इनपुट दे दी है। अब जो प्री एम्पलीफायर का वर्क क्या रहता है कि ये थोड़ा सा इसकी ऑक्स को एम्पलीफाई करके अपनी मेन आईसी में दे देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको एम्पलीफायर करके यहाँ पे एक स्विच के थ्रू दे रहा है। मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ भी पहले से सेट कर रखा है, इसलिए मुझे इसके स्विच की ज़रूरत है। यदि आपके में ब्लूटूथ नहीं होगा तो डायरेक्ट ही आपकी मेन आईसी, जो कि 44 आईसी बोर्ड में या फिर जो भी आपके में लगा होगा, उसमें आपकी इनपुट दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से प्री एम्पलीफायर थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है, देन इसके बाद ये मेन सर्किट में इनपुट चली जाती है, और फिर मेन जो सर्किट रहता है इसको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर करके अपने स्पीकर्स में दे देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे स्विच से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो प्री एम्पलीफायर जैसे थोड़ा एम्पलीफायर करके जो मेन आईसी को इनपुट दे रहा था, हमें वहीं से यहाँ पे वायर्स निकाल लेने हैं। ओके गाइस, वहाँ से हम जो भी वायर्स निकालेंगे उसे डायरेक्ट हम अपने डेक की या फिर होम थिएटर में इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सोल्डर आयरन की हेल्प से यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया है। बाकी के सारे कनेक्शन भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। फ्रेंड, जो वाले वायर आपके मेन आईसी में जाते हैं या फिर स्विच में जाते हैं, आपको सेम उन्हीं वायर्स में यहाँ पे कोई भी तीन वायर्स यहाँ पे जोड़ लेना है, जिनमें से एक वायर आपको ग्राउंड का यहाँ पे जोड़ लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों के तीनों वायर्स यहाँ पे जोड़ लिए हैं सोल्डर आयरन की हेल्प से। इस तीनों वायर यहाँ पे आपको जुड़ने के बाद इससे आपकी ऑक्स तो आप आउट कर दोगे, लेकिन फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऑक्सिलरी केबल ले रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी ऑक्स को शोल्डर आयरन की हेल्प से इसमें अटैच कर लूँगा, देन इस ऑक्सिलरी केबल की मदद से अपने होम थिएटर में इसको इनपुट दूंगा। यदि आपका होम थिएटर भी खुला हुआ है, यदि आप किसी डेक में इसकी इनपुट देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इन तीनों वायर से दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको होम थिएटर खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ऑक्सिलरी केबल रहती है उसमें इसे जोड़ लिया है, और उसकी हेल्प से मैं इसकी डेक में इनपुट देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपनी जो ऑक्सिलरी केबल में इसके तीनों के तीनों वायर्स को जोड़ लेता हूँ। फ्रेंड्स, जो ग्राउंड वायर है उसको आपको दोनों में से किसी भी एक ऑक्सिलरी केबल में जोड़ लेना है, बाकी के दो जो उसके मेन चैनल्स हैं उसको आपको अलग अलग में मेन चैनल्स में जोड़ लेना है। ओके गाइस, जो साइड की जो प्लेटिंग रहती है जो ऑक्सिलरी केबल की, वो उसका ग्राउंड रहता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ पे मैंने होम थिएटर, आप देख सकते हैं होम थिएटर्स हैं, इसमें मैं उसकी ऑक्स में इसकी इनपुट दे दूंगा, और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके गाइस, देखिए आप कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप कम्प्लीट हो जाता है। मैं आपको पूरा का पूरा एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसकी ऑक्स दे देता हूँ, और फिर इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आपका जो भी होम थिएटर है और आपका जो कैसेट डेक है, आपको दोनों को ही यहाँ पे पहले पावर ऑन कर देना है, दोनों को जैसे आप चालू कर लेते हो। और ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने होम थिएटर में इसकी ऑक्स दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी ऑक्स दे दी है, और अब हम यहाँ पर पावर ऑन करते हैं। तो ये देखिए आप कि किस तरह से हमारी कैसेट अपने होम थिएटर में आप प्ले कर सकते हैं। और अच्छा हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार।
सेवन डायरेक्टर हैं अब्बास मुस्तन, बादशाह को भरत शाह ने लाया, भंवर जैन और गिरीश जैन ने बनाया, और गीत कथक से बादशाह के गीतों को किस किसने गाया? अभिजीत, अलका याग्निक, खुद अनु मलिक और खुद शाहरुख खान। बादशाह मैं तो पागल के तो हर पल कर कोई हलचल उनसे उनसे फेल, जान पे खेल। बादशाह को मिलना हो तो खेलने तो जाएंगे, और उसकी गीत सुनने हो तो वीनस कैसेट मंगवाइए। किंग साइज एंटरटेनमेंट बादशाह अंदर से मेरा तो फिर जुदा, मैं बादशाह का बादशाह सपने सजाना ना था, बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं सभी करता नहीं।